लगता कोई नया पैगाम आया है। हाँ, वो तो मौत की तरह से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हर बार यही इसरार है कि तुम मेरी सल्तनत में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हारे मुल्क को आबाद कर दूंगा। मगर मैं उसकी नीयत को अच्छी तरह जानता हूं कि मुल्क आबाद होगा या बर्बाद। ठीक है अब्बा हजूर, आज तक हर इंसान हमारे मुल्क में आराम की नींद है, मगर ये शैतान उनकी आंखों से वो नींद भी छीनना चाहता है। यही सोचकर तो हम खामोश हैं कि उसकी ताकत का हमारे पास कोई जवाब नहीं। तुम्हारे साथ शिकार को आया हूं, हमेशा मेरा ही शिकार हो गया है। लेकिन मैंने कसम खाई है कि जब तक शिकार नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वाहरे शिकारी, एक बात कहूँ बुरा तो नहीं मानोगे? सुनो, महल में से दो मुर्गियाँ मारकर मुझे खिला दो, तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और जो चूहे भूख के मारे मेरे पेट में कलाबाजियाँ खा रहे हैं वो भी चुप हो जाएंगे। बको मत, गर्मी बहुत लग रही है, मैं जरा नहा लेता हूँ और तुम जाकर पानी पी लो, तुम्हारे चूहे भी चुप हो जाएंगे। अरे मगर भाई बात तो सुनो मेरी। अरे यार।